ग्लोबल कवरेज प्रधानमंत्री का, ग्लोबल एड्रेस, जी हाँ, भाषण का दुनिया का सबसे बड़ा मंच और प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा भाषण हम सीधे न्यूयॉर्क से आपके लिए लेकर आए हैं। न्यूयॉर्क में जी न्यूज की एक बड़ी टीम मौजूद है। मेरे सहयोगी अमित प्रकाश है, बल्कि शर्मा उपाध्याय है, सिद्धांत सिब्बल है, और साथ ही हमारे साथ मेहमानों का भी एक बहुत बड़ा पैनल है। आपको बता दें, आपसे करीब डेढ़ घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी UNGA में जब खड़े होंगे तो हर किसी की निगाहें न सिर्फ आपकी, हमारी 135 करोड़ भारतीयों की, बल्कि हर किसी की निगाहें इस न्यूयॉर्क सिटी में। आपको बता दूं, तमाम राष्ट्राध्यक्ष और सरकारों के प्रमुख मौजूद हैं। पूरा दुनिया का एक्शन इसी शहर में इस वक्त सिमटा हुआ है और हर किसी के जहन में, जैसा कि मैं आपसे कह रही थी, ना सिर्फ 135 करोड़ भारतीय बल्कि दुनिया के हर राष्ट्र की निगाह आज इस बात पर टिकी है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सरकार के प्रमुख, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी आज अपने सबसे बड़े भाषण में न्यूयॉर्क से दुनिया को क्या संदेश देने जा रहे हैं। और इसीलिए ये मेगा कवरेज, ये बड़ी कवरेज, ग्लोबल कवरेज, मेहमानों के साथ, मेरे कई सहयोगियों के साथ हम सीधे न्यूयॉर्क से आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि इस खबर का कोई भी पहलू आपसे छूटने ना पाए। मेरे सहयोगी अमित प्रकाश भी हमारे साथ हैं UN के हेडक्वार्टर से। अमित, प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, उस पर तो हम तमाम एक्सपर्ट से लगातार बात कर ही रहे हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से न्यूयॉर्क बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है और खासतौर पर हिंदुस्तानी जो है उनका जोश और उत्साह जबरदस्त। प्रधानमंत्री के लिए आज वेलकम भी है और साथ ही पाकिस्तान को हिंदुस्तानी जमीन से भी जवाब देने जा रहे हैं कि UNGA में तो प्रधानमंत्री मोदी जवाब देंगे ही, नाम लिए बिना जमीन पर भी, न्यूयॉर्क के शहर में सड़कों पर भी पाकिस्तान को जवाब मिलने जा रहा है। अमित, सबसे पहले गुड मॉर्निंग अदिति, और आप जो बात कह रही थी उस सवाल का जवाब दूं, इससे पहले ये बता दूं, ये 360 डिग्री डायमेंशन कवरेज है हमारी न्यूयॉर्क से। आप इस बात को समझिएगा कि कल हम और अदिति एक साथ थे, आज बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। आज हमने ये तय किया आज के प्लान के हिसाब से कि हर एक कोने से इस यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है, जो कि हम जिसको ग्लोबल मंच कह रहे हैं, जहां से भारत के प्रधानमंत्री आज एड्रेस करने जा रहे हैं पूरी दुनिया को, वहां से और उस बिल्डिंग के आसपास से 360 डायमेंशन की कवरेज है। अलग अलग हमारे सहयोगी हैं, अदिति जिस पॉइंट पे हैं, मैं UN हेडक्वार्टर्स के बाहर हूं, और भी बाकी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 74th सेशन 9 बजे यानी अब से तकरीबन 25 मिनट बाद जनरल असेंबली शुरू होगी इसी बिल्डिंग में, और तीसरा नंबर है एड्रेस का, भारत के प्रधानमंत्री का जो एड्रेस शुरू होगा, जो संबोधन शुरू होगा, उसमें तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री का वक्त है, तीसरे नंबर पर वो बात करेंगे, और जो वो बात करने जा रहे हैं उस पर, जैसा मैं कह रहा हूँ, 193 देशों की निगाह है, और जो बात लगातार साइडलाइंस पे होती रही है ना अदिति, चाहे वो साइडलाइंस की बात करें, बायलैटरल्स की बात करें, मल्टीलैटरल्स की बात करें, एक सबसे बड़ा मुद्दा जिसको लेके हम लगातार बात कर रहे हैं, और वो है आतंकवाद। और इसीलिए आज के प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या कुछ रहने वाला है, ये पूरा विश्व जानना चाहेगा। साथ साथ हम आपको ये भी बता दें, थोड़ा सा कैमरा पैन कर रहे हैं अदिति, ये दिखाने के लिए, जैसा मैंने कहा कि 360 डिग्री डायमेंशन, ये पीछे का जो आप इनक्लोजर देख रहे हैं, इस इनक्लोजर में अब से कुछ देर बाद जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं वो पहुंचेंगे प्रधानमंत्री को थैंक यू कहने के लिए। तो हम ये तस्वीरें लगातार पहुंचाते रहेंगे, यहां से तमाम चीजें आप तक बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अदिति आपके पास। बिल्कुल जी अमित, आप कह रहे थे, मीमांसा भी हमारे साथ स्टूडियो से है। मीमांसा, न्यूयॉर्क में इस समय हिंदुस्तानी बहुत एक्टिव। जी बिल्कुल, आप कह रहे थे 360 डिग्री कवरेज, तो ये जो दुनिया का केंद्र है दरअसल, वो तो आज नरेंद्र बना हुआ है। आज हिंदुस्तान बोलेगा और पूरी दुनिया सुनेगी, और ये बहुत ही ऐतिहासिक भाषण होने वाला है। आपको बता दें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का आतंकवाद पर जोरदार पंच होने वाला है, और प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, और कौन कौन से मुद्दों को, वो डोमिनेंट इश्यूज क्या रहने वाले हैं, ये यहां पर चर्चा करने के लिए इस वक्त आप पैनल इस वक्त हमारे साथ देख रहे हैं।
हमारे साथ यहाँ पर शशांक हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, स्टूडियो में उपस्थित हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी जी हैं हमारे साथ। आर राजगोपालन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, उनको आप देख पा रहे हैं स्टूडियो में। प्रोफेसर राजन कुमार हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ। पंकज शर्मा हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और एसडी मुनि हैं, फॉर्मर डिप्लोमैट। जोरदार तालियों के साथ इन सभी का स्वागत। क्योंकि देखिए, ये ग्लोबल कवरेज है और पूरी दुनिया हिंदुस्तान का ग्लोबल पराक्रम आज देखेगी। और हम इसे कह सकते हैं कि ये फ्राइडे ब्लॉकबस्टर होने वाला है, बहुत ही एक्शन पैक्ड। और एक और मेहमान जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता अमित मालवीय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल शशांक जी मेरा आपसे है, ये अंतर्राष्ट्रीय मंच है, विकास, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन पर तो बोलेंगे ही प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन जो डोमिनेंट इशू रहने वाला है आतंकवाद पर जोरदार प्रहार। जिस प्रकार से हमने देखा है कि अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, सबने अपने अलग अलग तरीके निकाले आतंकवाद से निपटने के लिए, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उनको पूरे तरीके से इसमें सफलता मिली है। तो अब सब जो है मोदी साहब की तरफ देख रहे हैं कि क्या इनके पास कोई तरीका ऐसा है, क्योंकि सूचनाएं तो सबके पास है, सब आपस में शेयर भी कर रहे हैं आतंकवाद के बारे में, और उसके जो नए नए रूप निकलते चले आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी, साइबर स्पेस को सबको इस्तेमाल करते हुए वो सब बात चल रही है। लेकिन अब जो है, जो लीडरशिप है, एक ऐसा लगता है कि वो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आ गई है, क्योंकि जो बात अभी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातें हुई थी, उन्होंने कहा कि भारत की जो लीडरशिप है, मैं समझता हूं कि वो पूरे तरीके से आतंकवाद से निपट सकती है और निपटेगी। ठीक है एसडी मुनि जी, प्रधानमंत्री मोदी पहले बोलेंगे बाद में इमरान खान, लेकिन आतंकवाद पर तो पहले ही बोलती बंद कर देंगे वो इमरान खान। देखिए, उनको बहुत सशक्त भाषण देना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि आपने कल देखा, जब ट्रंप साहब के साथ उनकी बातचीत हो रही थी, तो ट्रंप ने एक बात कही कि जैसा अभी कहा गया है शशांक जी से, कि मोदी जी सक्षम है, भारत सक्षम है कि पाकिस्तान के टेररिज्म को ठीक कर देगा, जवाब दे देगा। इसके अंदर छुपी हुई एक बात यह है कि अमेरिका अपना पल्ला झाड़ रहा है, और वहां जब बात हुई थी तो ये भी बात हुई थी कि अमेरिका ने ईरान के टेररिज्म पे ज्यादा जोर दिया, पाकिस्तान के टेररिज्म की बात नहीं की। और मैं हमेशा से ये मानता हूं कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म की समस्या है, उसका अमेरिकन दृष्टिकोण से वेस्टर्न फ्रंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे साथ जो फ्रंट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ऐसे प्रमुख क्षण में जब ट्रंप ने ये कह दिया, कि उसका एक इनडायरेक्ट मतलब ये भी होता है कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ो और खुद उसका फैसला निकालो, तो मोदी जी को सारी दुनिया को जगाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि इस तरह का रवैया फायदे का नहीं है, काम नहीं आएगा। जी, इस पर मैं अमित मालवीय जी से रिएक्शन जरूर लूंगी। अमित मालवीय जी, यहाँ एसडी मुनि जी जो बात कह रहे हैं कि हम अमेरिका की जब बात करते हैं तो उनकी टेरर लिस्ट में ईरान सबसे ऊपर है, तो वो कहीं ना कहीं जो लड़ाई हमें लड़नी है वो हमारे कंधों पर जिम्मेदारी थोप रहा है, वो कहीं ना कहीं बचने की कोशिश के रूप में, क्या इसे नहीं देखा जाना चाहिए? देखिए मीमांसा जी, जब प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उनसे ये सवाल पूछा गया था कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप आतंकवाद का मुकाबला कैसे करेंगे। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम 125 करोड़ का देश है और हमें अपनी ताकत का अंदाजा होना चाहिए और अपनी लड़ाई हम खुद लड़ सकें। आज जब प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ ये जो मुहिम छेड़ी है, ये एक तरीके से जो अलग अलग सुर में अलग अलग देश बोल रहे थे उनको एक साथ लाने का प्रयास है, और ये प्रयास जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है उसके लिए बहुत ही सार्थक है। और दूसरा, जब भी कभी भारत अपने आत्मरक्षा में या अपनी जमीन को बचाने के लिए कोई भी हमले का जवाब दे, तब उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उल्टी प्रतिक्रिया ना आए, इसलिए ये सारी मुहिम चलाई गई है। अगर आपने देखा हो, जब उरी पे अटैक हुआ और हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, तो किसी देश ने नहीं बोला कि आपके ऊपर सैंक्शन लगाया जाएगा या आपने ये गलत किया, ये सही किया। उसी तरह बालाकोट स्ट्राइक के बाद भी लोगों ने कहा कि ये भारत की सुरक्षा का मामला है और भारत उस पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात को बिल्कुल अच्छी तरह समझते हैं कि हिंदुस्तान की सुरक्षा हिंदुस्तान की सरकार और सेना ही करेगी, वह उसका ही दायित्व है। जो दुनिया की
तमाम शक्तियां हैं, उन सबको जुटना है और एक दूसरे की जो हकीकत है ठीक है। अमित मालवीय, मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 का भाषण याद आ रहा है जिसमें उन्होंने एक बात कही थी कि गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता, सभी देश आतंकवाद से पीड़ित हैं और हमें मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा था आतंकवाद को परिभाषित करना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रोफेसर राजन कुमार आज भी तो परिभाषित नहीं हो पाया आतंकवाद। 1996 से इस पर बात हो रही है लेकिन बढ़ तो नहीं पाए हम आगे। जी आपने बिल्कुल सही बोला कि अगर आप पिछली बात करें तो पिछले जो 2014 में मोदी जी ने बोला था उन्होंने उसमें बात भी की थी कि हम पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार हैं लेकिन टेररिज्म को छोड़ना पड़ेगा। आज की समस्या यह है कि जैसा प्रोफेसर मुनी ने बताया अभी कि हमारी जो एक डेफिनेशन होनी चाहिए टेररिज्म की, आतंकवाद की एक जो अंतर्राष्ट्रीय डेफिनेशन होनी चाहिए, हमारे पास वो डेफिनेशन नहीं है। आपने देखा ट्रंप का स्टेटमेंट कुछ दिन पहले आया, उसमें बोल रहे हैं कि ईरान नंबर वन टेररिस्ट कंट्री है, जबकि इंडिया के हिसाब से इंडिया इस चीज़ को नहीं मानती है और इंडिया मानती है कि पाकिस्तान से और जो अफगानिस्तान से टेररिज्म आ रहे हैं वो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है इंडिया के लिए। और अगर आप अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में जो इंडिया का वहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो उसके लिए जरूरी है कि आप एक टेररिज्म को डिफाइन करें और वहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय, मोदी जी का हमेशा स्टेटमेंट देखेंगे जो भी मल्टीलेटरल फोरम्स में गए हैं वहाँ पे एक बात उन्होंने जरूर की है और मुझे लगता है आज भी वो करने वाले हैं कि एक इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं टेररिज्म पे। वो इसलिए बात करते हैं कि बहुत सारे कंट्री टेररिज्म का डेफिनेशन अलग अलग तरीके से देते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन होना चाहिए वो डेफिनेशन हमारे पास आज के टाइम पे नहीं है। इसके कारण से कोई स्टेट टेररिज्म की बात करता है, कोई नॉन स्टेट एक्टर टेररिज्म की बात करता है, तो हमारे पास जो एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेड डेफिनेशन होना चाहिए वो नहीं है। और यूएस की जो पॉलिसी है और इंडिया की पॉलिसी है उसमें भी थोड़े से डिफरेंसेस हैं टेररिज्म के इशू को लेकर। इसी में ऐड करेंगे कुछ राजगोपालन जी, ये जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस की बात हम बार बार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि ग्लोबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जानी चाहिए आतंकवाद के खिलाफ ताकि ये फॉरवर्ड मार्च हो पाए, ये क्या आज पुरजोर तरीके से जोरदार तरीके से यूएन के मंच से उठाएंगे प्रधानमंत्री? आज की सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी टेररिज्म, उसके बारे में अनदर 10 दिन का अंदर चीन का प्रधानमंत्री तमिलनाडु आ रहे हैं, चीन का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जा करके बायलैटरल डिस्कशन कर रहे हैं। जो ट्रंप साहब से बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर, नरेंद्र मोदी साहब उसको चीन का तमिलनाडु में जा करके महाबलीपुरम में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो इंटरनेशनल लीडर के रूप में जो नरेंद्र मोदी का रूप आ रहे हैं अभी, मुझे लगता है ट्रंप साहब भी क्या एनडीए में ज्वाइन करेंगे इतना जल्दीबाजी में, क्या इतना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन महाराष्ट्र इलेक्शन हरियाणा इलेक्शन में नरेंद्र मोदी साहब का भाषण इफेक्ट होगा। ठीक है पंकज शर्मा जी, ठीक है मुझे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन मैं दरअसल पंकज शर्मा जी से सवाल पूछना चाह रही थी यहाँ पर कि यहाँ पे भी तो एक लॉबी है ना, वो इमरान खान तो कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वो बहुत ज्यादा निराश हैं क्योंकि कोई उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। यूएनएचआरसी में देखा 16 देशों का समर्थन तक वो नहीं जुटा पाए, लेकिन यहाँ एक लॉबी है जिनसे उन्हें उम्मीद बंधी रहती है। एजेंडा क्या रहने वाला है आज इमरान खान का ये भी सब जानते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटा सा ब्रेक फॉरन लॉटरी। तो दुनिया का सबसे बड़ा मंच और इस मंच पर आप सुनेंगे प्रधानमंत्री मोदी का ग्लोबल संदेश, अब से कुछ ही देर में आप कह सकते हैं एक घंटे का और इंतजार और हो सकता है उससे भी कम देर में शुरू हो जाए उनका भाषण और एक ही मंच पर होंगे आमने सामने, पहले प्रधानमंत्री मोदी का ग्लोबल संदेश और उसके बाद इमरान खान उसी मंच पर। और आप जानते हैं इमरान खान का एजेंडा क्या रहने वाला है। एसडी मुनि जी, कश्मीर 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 यही राग अलापते रहे हैं अभी तक इमरान खान और आज भी वो यही करने वाले हैं, लेकिन कश्मीर पर ही कितनी बार भारत पाकिस्तान को बेनकाब कर चुका है। देखिए बेचारे इमरान तो अब पब्लिकली मान चुके हैं कि हमारी बात कोई सुनता ही नहीं, तो इसीलिए इसके आगे इमरान खान से कुछ ज्यादा उम्मीद करना कि कश्मीर पे वो अपनी बात को पुरजोर तरीके से रख पाएंगे कोई माने ही नहीं रखता, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि हमारी बात कोई नहीं सुनता और पब्लिकली कहा है उन्होंने, जो एक बहुत बड़ी बात है मैं समझता हूँ। पंकज शर्मा जी, लेकिन एक लॉबी है ना यहाँ पर, विपक्ष तो सुनता है, कांग्रेस नेताओं को बकायदा कोट करते हैं इमरान खान यूएन में जाकर। मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई ऐसी लॉबी हो सकती है जो इमरान खान का समर्थन करे या आतंकवाद का समर्थन करे। मीमांसा जी, ये उग्रवाद और आतंकवाद कोई आज की समस्या नहीं है, कश्मीर में लोग मर रहे हैं। ये राहुल गांधी बोलते हैं, उनको कोट करते हैं, उमर अब्दुल्ला को राहुल गांधी को कोट करते हैं इमरान खान संयुक्त राष्ट्र में जाकर। 16 देशों का समर्थन नहीं जुटा पाए यूएनएचआरसी में, लेकिन कांग्रेस का समर्थन उन्हें जरूर मिल जाता है। देखिए अगर भारत के भीतरी मसलों पर भारत में रहने वाले कुछ लोग या कुछ नेता
या भारतीय समाज के कुछ प्रतिनिधि अपनी राय रखते हैं तो उसमें ऐसा कोई एतराज भी नहीं होना चाहिए। और इमरान खान उनको कोट करते हैं, इमरान खान अपना जाने, इमरान खान का कोई भारत में लॉबी समर्थन करती होगी ऐसा मानने को मैं तैयार नहीं हूं। आतंकवाद और उग्रवाद तब से है जब सबसे पहले 1948 में महात्मा गांधी मारे गए, उसके बाद 30 साल 32 साल पहले पंजाब में हमने क्या देखा, इंदिरा गांधी उस आतंकवाद का शिकार हुई, राजीव गांधी उसी आतंकवाद का शिकार हुए, और भारत के हर प्रधानमंत्री ने शिकार बताता है लेकिन करता क्या है। मान साहब जी, भारत के हर प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी आवाज आतंकवाद के खिलाफ उठाई है। अच्छी बात है कि आज नरेंद्र मोदी जी भी आतंकवाद के खिलाफ ये आवाज संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने वाले हैं। दो बातें बताना चाहता हूँ। पहले तो आतंकवाद की बात हुई, मेरे ख्याल से अभी से आतंकवाद की लड़ाई में एक और मोड़ आएगा। पहला मोड़ आया था 26/11 में, तब तक हिंदुस्तान की आवाज कोई नहीं सुनता था, तब से दुनिया जागरूक हुई कि आतंकवाद भी कोई चीज है। अभी ये मोदी साहब के लिए एक बहुत सुनहरी मौका है दुनिया को तीन बातें बताने के लिए। सबसे आतंकवाद की परिभाषा एक ही है, जो भी दहशतगर्दी करता है वो आतंकवादी है, उसका चाहे मजहब से कोई तअल्लुक ना हो। पर ये सारी फैक्ट्री पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ ब्रांड है और सबसे बेस्ट ब्रांड है। आप जो बात कह रहे हैं, मैं यहां पे एक बात कहना चाहूंगा साहब आपसे बहुत सम्मान के साथ। आप जो बात कह रहे थे ना कि भारत में कोई लॉबी नहीं है जो उनको सपोर्ट करती है, तो आखिरकार सर एक बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी ना कि अगर वो लॉबी नहीं है तो इमरान खान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल मंच पे बैठ के कांग्रेस का नाम लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की बात करते हैं और अपनी बातचीत में वो ये संकेत देते हैं कि भाई एक पार्टी है भारत में जो हमारा सपोर्ट करती है और उसके बिना पे इमरान खान ने ऐसा कभी नहीं कहा कि एक पार्टी है भारत में जो हमारा सपोर्ट करती है। कोई लॉबी नहीं है जो भारत में उनका सपोर्ट करती है, ये शब्द इमरान खान ने कभी नहीं कहे कि एक पार्टी भारत में है जो कांग्रेस पार्टी है जो हमारा सपोर्ट करती है। क्या बात करें पंकज जी, बकायदा कोट किया गया था जो बात कही थी राहुल गांधी ने कश्मीर में, उनको बकायदा कोट किया गया। कहते हैं ना ये बात, वो आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ पर वो स्टेटमेंट पूरी दुनिया ने देखा है, नाम है दस्तावेज में राहुल गांधी का नाम है, वो हमारा दो दिन पहले नाम है, अभी दो दिन पहले उन्होंने ये बात कही है सर। बीजेपी के आईटी सेल चीफ, आईएसआई के एजेंट है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, आईएसआई एजेंट्स, सबूत के साथ मैं बोल सकता हूं आपको, डेट के साथ। अब देखिए जब हम बहस को इस स्तर पर ले जाते हैं तो किस किस तरह के आरोप करते हैं। जो भोपाल आईटी सेल के मुखिया थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग आईएसआई के एजेंट अब्दुल रजाक खान, ये बकायदा किस तरह से कोट किया गया था राहुल गांधी को जो उनका स्टेटमेंट आया था। मेरे पास अभी वक्त नहीं है, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना होगा, मैं अदिति के पास भी नहीं जा पाई। और जो यहाँ बात हो रही थी कि 9/11 ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जिसके बाद ये वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई है और अब अगुआ की सिचुएशन में, उस स्थिति में भारत आ चुका है। इस भाषण का इंतजार हर किसी को, लगातार आप ये ग्लोबल कवरेज देख रहे हैं इस वक्त जी न्यूज पर, आप ग्राउंड जीरो पर देख पा रहे हैं हमारे दो सहयोगी अदिति त्यागी और अमित प्रकाश, साथ ही साथ लगातार यहां मेहमानों से चर्चा जारी है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ग्लोबल संदेश सुनने में बस अब कुछ ही देर का और इंतजार, अब से लगभग आप कह सकते हैं 45 मिनट एक घंटे के बाद ये ग्लोबल संदेश देने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। और देखिए हमने आज आपके लिए व्यवस्था की है ये 360 डिग्री एंगल कवरेज, आप देख रहे हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारे दो रिपोर्टर्स लगातार मौजूद, अदिति त्यागी और अमित प्रकाश। अमित से तो हमने ब्रेक से पहले बात कर ही ले ली थी, और अदिति हमने ह्यूस्टन में देखा कूटनीतिक क्रांति, न्यूयॉर्क में क्या कूटनीतिक विजय हासिल होने वाली है, क्या भारत को विश्व गुरु बनाने वाला यह भाषण आज हम सुनने वाले हैं। विमान साहब मुझे लगता है कि ये तो अपने आप में सवाल ठीक है। हिंदुस्तान प्रधानमंत्री मोदी पिछले 6 साल में बार बार इस बात को दोहराते आए हैं कि भारत को विश्व गुरु का जो उसका दर्जा है वो वापस पाना है, लेकिन मुझे लगता है ये अपने आप में सवाल नहीं है क्योंकि मैं और आप दोनों जानते हैं आतंकवाद के मुद्दे पर और साथ ही जो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है, इन दोनों ही मुद्दों पर हिंदुस्तान 193 राष्ट्र UNGA में है, लेकिन हिंदुस्तान इन दो मुद्दों पर सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है, यहां तक कि सुपर पावर अमेरिका से भी आगे खड़ा दिखाई देता है और लीडरशिप रोल में दिखाई देता है। इसीलिए अपने दर्शकों से जो इस वक्त हमें देख रहे हैं जी न्यूज के करोड़ों दर्शक, मैं उनसे कहना चाहती हूं कि अब से करीब एक घंटे बाद आपको हिंदुस्तान की ब्लॉकबस्टर मूवी देखने को मिलने वाली है,
प्राउड फील कीजिए, गौरवान्वित महसूस कीजिए, क्योंकि हम और आप ही नहीं, 135 करोड़ हिंदुस्तानी नहीं, इस समय पूरी दुनिया हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता को सुनना चाहती है, उसके विजन को समझना चाहती है, और ये शोकेस करने का मौका है। इसे आप सिर्फ ये मत समझिए कि हिंदुस्तान क्या कहेगा, आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा है, बड़ी छोट प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, लेकिन साथ ही जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, जो विश्व गुरु की जब आप बात करते हैं, हमारे कल्चर की बात करते हैं, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, हम उन योजनाओं की बात करते हैं जिनके लिए रास्ता हिंदुस्तान ने दिखाया, जैसे स्वच्छता भारत अभियान या फिर बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, और प्रधानमंत्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज काफी मुखर रहे, तो एक स्टेट्समैन की बात करते हैं ना मीमांसा हम। और कई मुद्दों को समेटे हुए उनका ये भाषण होगा, क्योंकि देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय मंच है, हमें ये समझना होगा। शशांक जी, 2014 का भाषण मुझे एक बार, मैं फिर से उसका जिक्र करूंगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बात कही थी कि पाक से बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमें वो उपयुक्त माहौल तो दिया जाए, बातचीत हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान की ओर से वो इनिशिएटिव या वो उपयुक्त माहौल बनाने की कोशिश हो नहीं रही है, ये मुझे याद आ रहा है जो उन्होंने कहा था। और पाकिस्तान तो अब भी गंभीर नजर नहीं आ रहा शशांक जी, सार की बैठक में हमने देखा क्या किया, जो वहां पर विदेश मंत्री, भारतीय विदेश मंत्री का जो संबोधन था उसी का बॉयकॉट कर दिया वहां पर शाह महमूद कुरैशी। देखिए, शाह महमूद कुरैशी के इस समय इच्छाएं कुछ और हैं, अगर मौका लगा तो हो सकता है कि इमरान खान साहब को हटा के वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं वो कुछ इतने इस समय गंभीर भी हैं, कुछ इतने उलझे हुए हैं कि मालूम नहीं चल रहा है कि निर्णय कौन ले रहा है, सब अलग अलग भाषाओं में बात कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जब से मुस्लिम जो बड़े नेता देश हैं उन्होंने जो है इमरान खान साहब का साथ नहीं दिया है तो वो बहुत बौखला गए हैं, उनको लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि ये सब लोग वो हैं, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, यानी कि जो पाकिस्तान की सेना के भी जो प्रमुख होते हैं जब रिटायरमेंट लेते हैं तो बाद में जाके सऊदी अरेबिया के साथ में जुड़ जाते हैं, वहाँ के इस्लामिक फोर्स के चीफ बन जाते हैं। प्रधानमंत्री भी अगर जेल में जाते हैं, जैसे नवाज शरीफ गए, तो उनको छुड़ाने का काम भी जो है सऊदी अरेबिया करता है, तो एक प्रकार से जो है वो उनकी तरफ देखते हैं। और आपको उनको मालूम चलता है कि जो उनके हाईएस्ट अवार्ड्स हैं वो सब मोदी साहब को दे दिए गए हैं, इसी तरीके से वो देखते हैं कि मोदी साहब जो है वो पुतिन साहब से बात कर सकते हैं बड़े गंभीर तरीके से, शी जिनपिंग से भी कर सकते हैं और ट्रंप से भी हाथ मिला सकते हैं, साथ साथ जो है ट्रंप जो है उनको रॉक स्टार कहने की बात करते हैं। तो मैं समझता ये हूं कि ये बात जो है ऐसी बदल चुकी है कि भारत बहुत ऊंची जगह पर, वो इस समय चीन और अमेरिका के साथ में तीसरे आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने का पोटेंशियल रखता है जी। तो कद तो बढ़ रहा है भारत का एसडी मुनी साहब, लेकिन यहां पर इमरान खान बोलेंगे क्या आज कश्मीर पर, कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है। आप देखिए, नवाज शरीफ से लेकर खकान अब्बासी जब पहुंचे यूएन के मंच पर, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी, दूसरे देशों की तस्वीरें जारी कर दी जाती हैं ये दिखाते हुए कि कश्मीर में किस तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन सुनने वाला तो कोई नहीं है। नहीं, यही तो मैंने कहा कि वो सारी दुनिया के सामने ये मान चुके हैं कि हमारी बात में दम नहीं है, लेकिन उनको राग तो कश्मीर का ही गाना पड़ेगा, उसके अलावा उनके पास कहने को है नहीं कुछ। न उनके पास ये है कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है, न उनके पास ये है कि पाकिस्तान और दुनिया के देशों को अवसर दे सकता है, न पाकिस्तान कोई ऐसी बड़ी मुहिम चला सकता है। तो कश्मीर की बात इसलिए भी करेंगे कि उनको फौज कहेगी कि आप कश्मीर की बात चालू रखिए। ये जो आपने पहले सवाल पूछा शशांक साहब से कि ये उनके फॉरेन मिनिस्टर क्यों छोड़ के चले गए, वो एक फ्रस्ट्रेशन का मैनिफेस्टेशन है कि अगर कोई बात सुनता नहीं है तो जरा कथकली करो, इसे ही देखे हमें, तो इस तरह का जो नाटक, उस पे कंडीशन भी लगा दी गई कि कश्मीर में आप 370 हटाइए तब हम बातचीत के लिए आएंगे। नहीं, उसके जो नहीं आना है ताकि लोग नोटिस करें, और कश्मीर की बात फिर वापस आए, ये उस फ्रस्ट्रेशन का इंडिकेशन है कि दुनिया आपकी बात नहीं सुन रही है। तो ये मैं नहीं समझता हूं कि इमरान खान के पास बजाय इसके कि कश्मीर का ढोल दोबारा पीटे कोई और बात कहने के लिए है भी। ठीक है, अमित प्रकाश वहां से एक सवाल करना चाह रहे हैं। अमित प्रकाश, या मैं वही आपकी बात को आगे बढ़ाना चाह रहा था सर। आप एक तरफ देखिए, हम देख रहे हैं बोलने के लिए कुछ है नहीं, घर के नहीं हैं, बाहर के नहीं हैं,
बायलैटरल मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक बोल दिया, जो स्थिति उनकी हो गई है दुनिया में, अपनी बात लगातार कहने की कोशिश वो करते रहे और विक्टिम कार्ड अपना प्ले करने की कोशिश करते रहे, बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए जी हमारे यहां तो ऐसे हो गया और कश्मीर में ऐसे कर दिया गया, 370 धारा हटा दी गई। वो उनका मुद्दा नहीं है, वो हमारा इंटरनल मुद्दा है। मैं सिर्फ आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि ये सब कुछ होने के बाद, इतनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद, जब आज तीसरे नंबर पे जब भारत के प्रधानमंत्री भाषण देंगे, संबोधित करेंगे, तो वो तो पूरी दुनिया सुनेगी, 193 देशों के लोग सुनेंगे। इमरान खान के पास क्या है बोलने के लिए? इमरान खान कौन सी ऐसी बात रखने वाले हैं जिसको दुनिया वाकई इंटरेस्टेड है सुनने में? नहीं, और कोई नई बात नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा, वो बार बार सिर्फ कश्मीर की बात करेंगे। देखिए, दो कारण है, कश्मीर की बात उनको करते ही रहना पड़ेगा, एक तो फौज का दबाव है उनके ऊपर, और दूसरा जब वापस पाकिस्तान जाएंगे तो लोग कहेंगे मियां क्या करके आए वहां पर, और कुछ किया कि नहीं किया। हाँ, और इसीलिए वो ही कहेंगे कि देखिए मैंने तो, अब ज्यादा तनाव तो इस बात का है ना कि आज के भाषण के बाद जब लौटेंगे तो क्या लेके जा रहे हैं, ये बताना पड़ेगा देश में। नहीं, लेके कुछ नहीं जाएंगे, लौटेंगे तो क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से, हासिल क्या है इस न्यूयॉर्क ट्रिप का, इस फ्लॉप शो का, ये हासिल उनका क्या है, ये तो देश में जाके बताना पड़ेगा ना अपने लोगों को। चलिए राजगोपाल जी, आप इस पे ऐड करना चाहेंगे? मैं जरूर, जो शशांक साहब ने कहा है पाकिस्तान में परिवर्तन होने वाले हैं, प्रधानमंत्री का जो इमरान खान का निकालने वाले हैं, ये दूसरी बात है। लेकिन मैडम, आपने दो बार बोल दिया है 2014 के इलेक्शन भाषण के बारे में, ये आप 2019 को क्यों बोल रही है? नरेंद्र मोदी साहब ने बालकोट को बात किए, क्या चीज कहा है, मैं घर में मार करके घूस के मारूंगा करके, उतना आक्रोश आज जो प्रधानमंत्री भाषण में आप आधा घंटे एक घंटे में सुनने वाले हैं, उसमें जरूर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को ऊपर भी जिक्र होगा। जी 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 जी, हाँ अदिति, अदिति कुछ पूछना चाह रही है। प्रोफेसर द्विवेदी, मैं फिर आपके पास आ रही हूँ। अदिति, विमान साहब आपके साथ जो गेस्ट हैं, अगर आप उनमें से किसी से पूछ पाए, देखिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रॉकस्टार हैं, वो ग्रेट ऑरेटर हैं, मुझे इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि जिस तरह से टकटकी लगाए दुनिया भर के राष्ट्र, 193 राष्ट्र, 192 राष्ट्र मुझे कहना चाहिए, वो इंतजार कर रहे हैं उनकी स्पीच का, वो सुपर हिट होगी। मेरा कंसर्न ये है, जब आपका नेबर पाकिस्तान होता है, जब आपका नेबर एक ऐसा मुल्क होता है जो टेररिस्तान भी कहलाता है, और वो ये आपके खिलाफ एक एग्रेसिव पोस्चरिंग अडॉप्ट करता है, ये जानते हुए भी कि वो दुनिया में अलग थलग पड़ा है, उसका जवाब क्या होगा? मैं चाहूंगी उसका, उसको कैसे आप उससे कैसे पार पाएंगे, ये मेरा सवाल शशांक जी से है, या अगर कोई भी आपके साथ दूसरे डिप्लोमेट हो, जल्दी कैसे काउंटर करेंगे? हालांकि मुझे पता है, हालांकि मैंने अभी दो ही दिन पहले एस जयशंकर को कहते हुए सुना, डिप्लोमेसी इज ऑप्टिमिस्टिक बिजनेस। ये इतनी हिम्मत पाकिस्तान जुटा कैसे रहे? शशांक जी और द्विवेदी जी, फिर एक एक 30-30 सेकंड। ऐसा है कि पाकिस्तान को हमने रास्ता दिखाया है, मोदी जी ने बोला कि आप आतंकवाद को खत्म कीजिए तो हम बात आगे कर सकते हैं। पहले भी ऐसा हो चुका है कि वहां पे मिलिट्री लीडर ने जो है प्रेसिडेंट बन गया था मुशर्रफ, उसने वाजपेयी साहब के साथ में लिखकर एक स्टेटमेंट दिया 4 जनवरी 2004 में कि भाई हम जो है किसी तरीके से भी आतंकवाद को साथ नहीं देंगे, चाहे कहीं से भी पनपे। और उसके बाद में काफी उन्होंने मदद भी करी, लेकिन सारा मामला बदलता चला गया। अगर ये इमरान खान साहब की हिम्मत है, नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये रास्ता उनके सामने मौजूद है कि ट्रंप साहब उनको तैयार हैं देने के लिए कुछ ना कुछ मदद, और भारत जो है ये तरीका दे रहा है कि लेकिन अमेरिका ने तो आज ये भी खिंचाई कह दी, कहके कि आपको कश्मीर में मुसलमानों की बड़ी चिंता है, जरा चीन में भी झांक कर देख लीजिए, वहां उइगर मुसलमानों का क्या हाल है। सबसे पहले हमें पाकिस्तान की सोच, विचारधारा, स्ट्रेटजी क्या है, उसकी स्ट्रेटजी 3 पॉइंट स्ट्रेटजी है। सबसे पहले भारत की मुखालफत करना, भारत का मुकाबला करना, और भारत से लड़ाई करना, वो कभी जीत नहीं सकता, पर लड़ना ही उसके लिए बहुत है। वो तो इमरान खान ने बोल दिया कि ये विकल्प नहीं है, हम युद्ध नहीं कर सकते, हम हमला नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि इमरान खान क्या बोलेंगे, उनको एक पर्चा दिया गया है कुमार, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, वो उनको पढ़ना है, उनमें कोई ऑप्शन नहीं है। पर जब ये ऐसा मौका आता है, जब भी इनका बदलाव होता है, इनके डिक्टेटर आते हैं तो एक बादल मंडराते हैं, और जब भी डिक्टेटर आया तो उनको शिकस्त खानी पड़ी है, चाहे 48 में, 65 71। अभी जो कुमार बाजवा है, इन्होंने एक ही काम करना है कि और बंटवारा करना है, और कोई आगे कोई इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। और हमारे पास क्या पॉलिसी है,
हमें अभी पूरी जो अपनी तवज्जो है, दृष्टि है, वो उस पार ले जानी है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, बाल्टिस्तान, गिलगिट, वो हमारा टारगेट होना चाहिए। और सबसे आखिरी पॉइंट जो है, ये टेररिज्म नहीं है, ये प्रॉक्सी वॉर रही है। 30 साल से ये प्रॉक्सी वॉर लड़ते आ रहे हैं, तो हमें दुनिया को बताना है कि ये पाकिस्तान से प्रॉक्सी वॉर शुरू हो रही है। पाकिस्तान जो है आतंकवाद का गढ़ है और इसको हमने, भारत ने खत्म करना है। ठीक है, अमित प्रकाश के साथ वहां से भी कोई गेस्ट जुड़ रहे हैं। अमित प्रकाश, देखिए मीमांसा, हम बहुत सारी बातें, हम लगातार 360 डायमेंशन जिस कवरेज की बात कर रहे हैं ना, हमें दूसरी तरफ जरा यह भी देखना होगा कि अब से कुछ देर बाद इंडियन कम्युनिटी के लोग पहुंच रहे हैं यूएन हेडक्वार्टर्स के बाहर, थैंक यू रैली, वेलकम मोदी, इन बैनर्स के साथ। और जो बोल्ड डिसीजन सरकार ने लिए हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने लिए हैं पिछले कुछ महीनों में, उसको लेके अपने जो कम्युनिटी के लोग हैं, इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, वो यहां पहुंच के, और एक जेस्चर है उनका, थैंक यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। क्या तैयारियां हैं? डॉक्टर अश्विन जौहर हमारे साथ हैं, पहुंच चुके हैं, और बाकी आप ये सोच लीजिए कि आसपास न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, आसपास के आप सोच लीजिए, दूर दूर तक, कैलिफोर्निया तक से मुझे कल लोग मिले थे जो यहां आए हैं, और न्यू जर्सी स्टेट, जो आसपास के 3-4 स्टेट्स हैं, वहां से बड़ी तादाद में अब से कुछ देर बाद भारतीय आने वाले हैं यहीं सामने वाले इनक्लोजर में, और वहां से वो प्रधानमंत्री को बोलेंगे थैंक यू द प्राइम मिनिस्टर। डॉक्टर साहब, क्या तैयारियां, आज कितने लोग पहुंच चुके हैं अब तक? देखिए, यहां के जो कम्युनिटी के लोग हैं तकरीबन 2000 के आसपास अपेक्षित हैं, और मैं अभी दूसरे चैनल्स पे ये बात कर रहा था कि ये अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि ये जो यूएन का लेन है या प्रांगण है, यहां पे अमूमन लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं, यहां पे अमूमन लोग किसी की खिलाफत करने के लिए आते हैं। ये पहली मर्तबा है जब से यूएन की स्थापना हुई है कि कोई सकारात्मक दृष्टि से कोई कम्युनिटी इकट्ठी हो रही है अपने लीडर को थैंक यू करने के लिए, वेलकम करने के लिए। पहली बार हो रहा है और ये हिस्टोरिक है। दूसरी बात, यहां कम्युनिटी की जब आप बात करें, उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति इतना सम्मान और प्यार है कि ये वर्किंग डे है यहाँ पे। अमेरिका में वर्किंग डे में किसी का पहुंचना छुट्टी लेके बहुत बड़ी बात होती है, और लोग शिकागो से, कैलिफोर्निया से, डीसी से, बॉस्टन से, सब जगह से यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। मात्र कोई स्टेट बचा है क्या जहाँ से नहीं आ रहे? कोई ऐसा स्टेट नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं पूरे अमेरिका में से जहाँ से लोग नहीं आ रहे। चलिए, हम डॉक्टर अश्विन से और भी बात करेंगे, लेकिन देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, जिस जगह पे प्रोटेस्ट करने के लिए लोग आते हैं, आज वहाँ इंडियन कम्युनिटी का एक ग्रुप आ रहा है अपने लीडर को, अपने स्टेट हेड को थैंक यू बोलने के लिए, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर बोलने के लिए। राष्ट्रनायक की पहचान होती है, उसके इतिहास में पहली बार बिल्कुल की इतने लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री मोदी के। वहां पर भी हमने इतना बड़ा जलसा देखा, 50,000 भारतीय अमेरिकी समुदाय को वहां पर उन्होंने एड्रेस किया, संबोधित किया, और यहां जहां पर विरोध प्रदर्शनों के लिए जो जगह जानी जाती है, वहां पर लोग जमा हो रहे हैं, भारतीय इकट्ठा हो रहे हैं कि वो अपने प्रधानमंत्री का वहां पर दर्शन कर पाए। छोटे से ब्रेक के लिए, ग्लोबल कवरेज लगातार जारी है, जी न्यूज पर स्पेशल देखते रहिए। तो कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रधानमंत्री मोदी का ग्लोबल संदेश। जी हां, दुनिया का सबसे बड़ा बंच और आतंकवाद पर पीएम मोदी का सबसे बड़ा पंच। जी हां, ये फ्राइडे ब्लॉकबस्टर भी आप इसे कह सकते हैं। लगातार आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं हमारे दो रिपोर्टर्स आदित्य त्यागी और अमित प्रकाश। लेकिन प्रोफेसर राजन, मेरा सवाल आपसे यह है कि आतंकवाद से हम निपटेंगे कैसे? जिस संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद को ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया, उसी के बैंक खाते खुलवाने के लिए पाकिस्तान वहां पर पहुंच गया और उसकी इजाजत भी मिल गई। देखिए, हम ये समझ लें कि कोई भी देश अकेला आज के वक्त पे जो इंटरनेशनल टेररिज्म है उससे फाइट नहीं कर सकता। पहले बात हो रही थी पंजाब में टेररिज्म, उसका नेचर काफी अलग था, वो काफी लोकलाइज था। आप LTT की बात करें तो वो काफी लोकलाइज था, लेकिन आज का टेररिज्म का जो स्वरूप है काफी इंटरनेशनल है। चाहे IS की बात करें आप, या पाकिस्तान या अफगानिस्तान, अलकायदा की बात करें, तो आप कोई भी अगर एक देश अगर ये समझता है कि वो इंटरनेशनल टेररिज्म को टैकल कर सकता है, तो वो नहीं होने वाला है। दिक्कत कहां पे आ रही है, मैं ये बता दूं। दिक्कत सबसे बड़ी ये आ रही है कि आज के टाइम पे जो कंसेंसस होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस में, वो कंसेंसस हमारे पास नहीं है। अमेरिका बोलता है ईरान सबसे बड़ा टेररिस्ट स्टेट है, इंडिया उसको नहीं मानता है, रशिया नहीं मानता है, चाइना नहीं मानता है, और इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो सबसे बड़ा टेररिस्ट स्टेट पाकिस्तान है। तो इसलिए जो बात आप कह रहे हैं भारत की तरफ से नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इस पर छोटे छोटे कॉमेंट में चाहूंगी मुनी जी, ये स्थायी सदस्यता की मांग भी क्या आज रखी जा सकती है? नहीं, स्थायी सदस्यता की मांग बहुत पुरानी है हमारी, और उसको भी ये लोग आगे नहीं बढ़ाना चाहते। लेकिन क्या दुनिया का नजरिया बदल रहा है?
उसको दुनिया का नजरिया अगर बदलता तो ये मसले रहते नहीं जो मसले बने हुए। मैं समझता हूँ कि जो कल ट्रंप साहब ने कहा कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए, उससे मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ। और मैं समझता हूँ कि दुनिया का जो नजरिया बदलना चाहिए जिस ढंग से, उस ढंग से नहीं बदल रहा है जी। लेकिन हो सकता है कि आज का जो जोरदार भाषण हम सुनेंगे प्रधानमंत्री मोदी का, उसके बाद जो दुनिया का नजरिया है आतंकवाद को देखने का और भारत को देखने का, वो बदल जाएगा। तो लगातार हम कह रहे हैं आपसे कि ग्लोबल संदेश आप जरूर सुनिएगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे दो संवाददाताओं को लगातार देख रहे हैं, वहां से पल पल की जानकारी हर अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए मुस्तैद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ग्लोबल कवरेज देखते रहिए जी न्यूज़ पर।